अगर परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुझे पुश नहीं, तुझे से ठहराऊंगा, तुझे डाउन नहीं, तुझे अब तुझे टॉप पर, सिर क्या है, टॉप पर है, तुझे टॉप पर लेकर जाऊंगा। हर एक जो उस पर भरोसा करता है, प्रभु ने वायदा किया, मैं तुझे टॉप पर मतलब सिर ठहराऊंगा तुझे, और ये वायदा आपके लाइफ में पूरा होगा। ये प्रतिज्ञा, ये प्रॉमिस उसका पूरा होगा आपकी लाइफ में। पर एक ही चीज है जो आपने करनी है, वो क्या है? प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानना है, बिलीव करना है। जिसने वायदे किए हैं बाइबल में वो पूरा भी करेगा, उसमें सामर्थ है उस हर वायदे को पूरा करने की। जो अब्राहम को 100 साल में, सारा को 90 साल में, इन बूढ़ों को पुत्र दे सकता है, वायदा करके उसे पूरा कर सकता है, तो आपकी लाइफ में भी वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और जुगा जुग एक सा है। अगर वो अब्राहम के टाइम, मूसा के टाइम चमत्कार करने वाला था, अगर वो प्रेरितों के टाइम, पौलुस के टाइम, पत्रस के टाइम चमत्कार करने वाला था, तो आज भी वो चमत्कार करने वाला है। क्योंकि वो आज कल और जुगा जुग एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर हम बिलीव करते हैं कि जब तेरा वचन हमारे कानों में पड़ेगा तो हमारे हर बंधन टूटेंगे, हमारा शरीर चंगाई को ग्रहण करेगा, हम आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, और हम जैसे आए हैं वैसे सेम ना जाएंगे, क्योंकि तू अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है और हर तबाही से बचाता है। यीशु के नाम में मांगते, बोलो आमीन। नीति वचन उसका एक अध्याय उसकी 33 आयत को मैं पढ़ूंगा। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। परमेश्वर कहता है जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उसके लिए क्या बोलता है? कहता है जो मेरे वचन को सुनेगा उसकी ओर ध्यान देगा वो निडर बसा रहेगा। मतलब क्या है? आपकी लाइफ में अप डाउन नहीं होंगे, अप डाउन नहीं होंगे। कहता जो मेरी सुनेगा, जब तक आप परमेश्वर की सुनते रहते हो तब तक आप अपनी लाइफ में अप जाना शुरू कर देते हो। ये लिखना है, क्योंकि ये प्रचार नहीं है, ये परफेक्टिक है आपके लिए। जब आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सुनते रहते हो, जब तक आप परमेश्वर की, सुनना क्या है? जब चर्च में आते हो आप प्रभु की आवाज सुनते हो, अगर नहीं आते हो आप सुनना बंद कर देते हो प्रभु की आवाज। अगर रेगुलर नहीं आते हो चर्च, आप बाइबल पढ़ते हो आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो, आप कोई भी प्रचार सुनते हो आप प्रभु की आवाज सुनते हो, कोई बुक पढ़ते हो आप आत्मिक, आप प्रभु की आवाज को सुनते हो। किसी आत्मिक दोस्त के साथ, अगुए के साथ, मेंटर के साथ उठते हो बैठते हो तो आप प्रभु की आवाज को सुनते हो, पर्सनल प्रेयर में बैठते हो प्रभु की आवाज को सुनते हो। तो परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी आवाज सुनेगा तो तू निडर बसा रहेगा। आपकी लाइफ का सीक्रेट एक ही है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको अप डाउन नहीं, आपको अप पर अप दे, हालेलुया, कभी भी आपकी जिंदगी में डाउन ना आए, आप अप पर अप जाते जाए, हालेलुया। कई बार कुछ डाउन आपको सिखाने के लिए होते हैं, आपको ताड़ने के लिए होते हैं, आपको सही ट्रैक पर पहुंचाने के लिए होते हैं, पर वो 2-3 महीने 4 महीने जब दोबारा आप उसे डाउन के बाद क्रॉस करते हो, तो अब जब अप जाते हो तो आपको पता है जितना अप मुझे जाना था डाउन होने के बाद मैं उससे अधिक अप गया हूं। पर कभी भी आपकी अब एवरेज को चेक करोगे तो आपको पता लगेगा मेरी एवरेज ऐसा नहीं है कि हाँ डॉलर पाउंड या सोने का रेट ऐसे पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, अच्छा पाउंड बढ़ गया, अच्छा ये डॉलर नीचे आ गया जी ऊपर चला गया। नहीं, परमेश्वर कहता है जब तुम मुझ में अगर मेरी सुनेगा मतलब सुनता रहेगा तो तू ऐसे अप पर अप पर अप 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 जाता जाएगा यीशु नाम में, हालेलुया। और जिस दिन आपने प्रभु की सुनना बंद कर दिया, वो उपवास में आप सुनते हो प्रभु की आवाज को, और जो मैंने लिखाया था जिस दिन आपने उपवास रखने बंद कर दी, प्रेयर करनी बंद कर दी, बाइबल पढ़नी बंद कर दी, ओ बिजी हो गए जी बिजनेस विच, ओ जी ब्याज बिजी हो गए जी, मैरिज में बिजी हो गए जी, पार्टी में बिजी हो गए जी, बेबी आ गया घर में बिजी हो गए जी, बड़ी
हॉस्पिटल में अच्छा कोई दुख आ गया, बीमारी आ गई, उसमें बिजी हो गए जी, पैसे की घटी आ गई जी, उसको पूरा करने के लिए बिजी हो गए उसमें। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनना बंद करते हो, वो प्रेयर हो सकती है, वो चर्च जाना हो सकता है, वो बाइबल पढ़ना हो सकता है, जब आप परमेश्वर की सुनना बंद करते हो तब आप डाउन जाना शुरू होते हो। तो कभी मत ये ना आज के बाद अपना प्रश्न लेके आना परमेश्वर के सामने, मेरी लाइफ अप डाउन क्यों दे, मैं जिंदगी च वध क्यों नहीं पाना, मैं सफल क्यों नहीं पाना। जिन्ना मेरा बिजनेस वादा घुम घुमा के उत्थे आ जाता, जिन्ना मैं सेवा च वादा घुम घुमा के उत्थे ही आ जाना है, जिन्ना ही मैं अपनी लाइफ दे विच कमाना है घुम घुमा के उत्थे ही आ जाता है, कोई सेविंग नहीं है, अप और डाउन बस उत्थे ही है। तो आपको एक चीज याद रखना है, जब तक आप प्रभु की सुनते रहोगे आप अप पर अप जाते जाओगे, चाहे आपको दिखे चाहे ना, पर आप अप जा रहे होंगे, एक मंजिल आएगी, आपको पता चल जाएगा कि मैं अब जा रहा था। हालेलुया। कई बार क्या होता है, आप निराशा में होकर गिर जाते हो, ओ मैं तो अब जा रहा था, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। मान लो अगर मसीह में 5 साल मैं प्रभु में बढ़ रहा था एक भूख और प्यास के साथ, उसमें कुछ मेरी लाइफ में कोई बड़ी सफलता नहीं थी, गवाहियां थी छोटी छोटी, बहुत अच्छे अनुभव थे, बहुत अच्छा प्रभु के साथ दीवानगी सब कुछ था, पर अपनी लाइफ के मेन मुझे एक बिंदु पर नहीं आया था, मैंने लाइफ में करना क्या है और कहां जाना है, मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में, पर वो मेरी लाइफ में स्टॉप नहीं था, वो मेरी लाइफ में मुझे अप की और अप में मैं जा रहा था, पर वो हिडन ब्लेसिंग थी। तो आपको ये सेकंड रेवलेशन अब समझना है, हिडन ब्लेसिंग, छुपी हुई ब्लेसिंग, छुपी हुई आशीष, वो आपको नहीं दिख रही पर आपकी लाइफ में हो रही है, चल रही है आपकी लाइफ प्रोसेस में। कोई ब्लेसिंग ऐसी होती है कि ना परमेश्वर काम कर रहा है, आप प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में हो नहीं रहा, पर परमेश्वर ने आपको एक प्रोसेस में रखा है। जिस तरह अब्राहम का बुढ़ापे तक एक प्रोसेस चला, जिस तरह मूसा का उस 40 साल की तैयारी में एक प्रोसेस चला उस वहां भेजना, जिस तरह यीशु मसीह का 30 साल एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीना और फिर 3.5 साल बाद में सेवा करना, वो एक प्रोसेस था। जिस तरह यूसुफ की लाइफ में उस खड्डे में से जाना, उस जेल में जाना, फिर जेल में आगे आगे भेज दिया जाना, फिर आगे आगे भेज दिया जाना, वो एक प्रोसेस था। जिस तरह दाऊद का, बाकी भाई युद्ध में लड़ रहे हैं और दाऊद जा रहा है भेड़ बकरियां चारना, वो एक प्रोसेस में थे। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है। कितने समझ पा रहे इस बात को, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। वही जो शेर बालू आपको मिल रहा है, जो वो गोफन चलाना आपको सिखा रहा है, अपना आराधक बना रहा है, इसी आराधना करने के द्वारा जो विश्वास प्रभु के ऊपर बढ़ गया था दाऊद का, उसी विश्वास ने कहा, जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया, आज गोलियत तू क्या चीज है, क्योंकि वर्षिप के द्वारा तैयारी करा रहा था। और बिना एक, जो एक आराधक नहीं है उसके अंदर कभी हयाब नहीं होगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, टेस्ट देने जा रहे हो, पुलपट पर जा रहे हो, क्रूसर में जा रहे हो, तो आप एक आराधना करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि जो आराधना करता है उसके अंदर हयाब होता है, उसके अंदर हयाब आता है। जो आराधना करता है दिलेरी के गीत गाता है, अब्राहम इसहाक यकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखदा है, अब इसको हयाब आया पूरा, और वो कह रहा है, वो हयाब उसके अंदर आ रहा है, वो कहता है, धरती ते एक हस्ती उच्ची यीशु ओदा नाम, आसमाना ते वी ओदा ए सब तो उच्चा नाम, ओदे कोलो, समझ रहे ना, आप उसकी वर्शिप कर रहे हो, उसके नाम को ऊंचा उठा रहे, और आपको पता रख रहा है वो तो बड़ा महान और सामर्थ्य है, अब्राहम इसहाक यकूब का परमेश्वर है, वो तो मेरे साथ सब कुछ करेगा। और आप दिलेरी के साथ जब जाते हो उसी हयाब से प्रभु आपको जीतने का अनुग्रह देते हैं फिर, हालेलुया, और बेस्ट रिजल्ट के साथ आपको ब्लेस करते हैं फिर, हालेलुया। तो क्या आप सुन रहे हो सकता है आपकी आशीष आपको दिख नहीं रही, आपकी सेवकाई में ग्रोथ आपको दिख नहीं रही, आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दिख नहीं रही, आपको बिजनेस जॉब में हो सकता है आज आपको ग्रोथ दिख नहीं रही, पर आप एक प्रोसेस में हो, एक टाइम आएगा जब आप टॉप पर परमेश्वर आपको लेके जाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है, लिखा है सारा ने, अब्राहम ने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना कि जिसने प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करने वाले में भी सामर्थ्य है। तो मेरा बिलीव है जब आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हो और उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर मनन करते हो तो वह आपको ऊंचा लेके जाता है। मैं देख रहा हूं आपको टॉप पर बढ़ते हुए, आपको आगे बढ़ते हुए, ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए, आपको स्टैब्लिश होते हुए, आपको ठहरते हुए, आप में स्थिरता आते हुए देख रहा हूं यीशु के नाम में।
लिखा जो घर चट्टान पर बना है उसे कोई गिरा नहीं सकता। रेत पर घर बनाना है एक दो दिन में बन जाएगा, पर अगर चट्टान पर बनाना है, मजबूत घर बनाना है, तो उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। पर जब वो बन जाता है फिर कोई आंधियां उसमें लगेंगी तो सही, टक्कर पंगा तो लेंगी, पर उसे गिरा ना सकेंगी, हिला ना सकेंगी। प्रभु आपको ऐसा बनाना चाहता है, नाम में वो आपको इतना मजबूत करना चाहता है। कहता जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। इसलिए क्या करना है आपको, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जिस दिन आपने आवाज सुनना छोड़ दिया, ऑनलाइन क्या आप सुन रहे हो, स्पिरिट में सुन रहे हो, जिस दिन आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ दिया, वो हफ्ते के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है, 20 दिन के लिए हो सकता है, जब महीना बिजी होना हो सकता है अपनी लाइफ में, उसी दिन आप डाउन जाने शुरू हो जाओगे। क्योंकि शैतान गर्जने वाले शेर के समान घूम रहा है, किसको फाड़ खा के नीचे कर दे। चोर चुराने के लिए आता है, कब आपका चुराए और जो कुछ आपको मसीह से मिला है उसे वो चुरा ले। पर यीशु कहता है मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया है, मुझ में बना रहा है, मेरी बातें तुम में बनी रही, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो उसने सीधा ही बोल दिया, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकती, जो डाली मुझ में बनी रहती है वह बहुत फलती है। उसने बोला है जो डाली मुझ में बनी रहती है, जो व्यक्ति मुझ में बना रहता है वो मुझ में बहुत फलता है। पर जो मुझ मेरे साथ मुझ में बना नहीं रहता वह डाली काटी जाती है, आग में फेंक दी जाती है। बेकार की है, क्यों टाइम जगह वेस्ट की है इसने, काट दो इसे। जो फल जग फल फ्रूट फल नहीं दे रहा है, क्यों जगह मल्ली हुई है, इतने कुछ होर बीज जाएंगे अपन, इन्हू काट दो, इन्हू आग च जाल दो। प्रभु कहता अगर तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा तेरी जगह देते, अगर तू अयोग्य गिने जाएगा तेरी जगह देते कोई और करेगा, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अपने इसीलिए लिखा अपने ढीलों घुटनों को स्थिर करो, अपने ढीले हाथों को उठाओ, यहोवा के सामने दीन बनो ताजो तुम्हें वह ऊंचा करे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है, हो सकता है आज आपकी ब्लेसिंग्स आपको दिख नहीं रही, हिडन है, शो नहीं हो रही, पर वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, हो रहा है आपकी लाइफ में, पर आपको दिख नहीं रहा। पर जब टाइम आएगा आपको पता चलेगा। या तो आपकी आशीष ऐसा हो कि आप 1 महीने में 1 गवाही, 6 महीने में दूसरी, 8 महीने में तीसरी, फिर मसीह में आगे 1 साल हो गया 4 गवाहियां बन गई, या हो सकता है 1 साल हो गया, 2 साल हो गए प्रभु में, 3 साल हो गए कोई गवाही नहीं, पर जब आई गवाही इन्हें लॉटरी लग गई फायदा पूरी। ओ जी कहने कुछ नहीं हो रहा, एकदम लॉटरी लगी, बंदा करोड़पति बन गया। इसका मतलब तुम एक प्रोसेस दे विच हो। परमेश्वर इस तरह का अचानक तड़ी लाच कर सकता कि तन लगता कुछ हो नहीं रहा, वो बहुत कुछ कर रहा, वो अंच अंच करके बदलने वाला परमेश्वर है, वो बदल रहा सब कुछ, वो सब कुछ कर रहा, बस बिलीव करो मेरा टाइम आ रहा है। हालेलुया। तो वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा, बेखटके बिना किसी परवाह नाल कहता वो सुख नाल रहेगा। एक यह है परमेश्वर का वायदा है, बेखटके वे सुख से, जो मेरी सुनता रहेगा वह बेखटके सुख से रहेगा, कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको गिरा ना पाएगी। इसलिए आप अभिषेक दासों को देखते हैं कैसे वो परमेश्वर की बेखटके सुख से बढ़ते जाते हैं प्रभु के साथ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु की सुनते रहते हैं। जिस दिन वो सुनना बंद कर दें, सुख उनकी लाइफ में चुरा लेगा शैतान। तो क्या है, बेखटके वह सुख से रहेगा। तो अगर आपने प्रभु की आवाज सुननी बीते दिनों में बंद कर दी है, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आज से मेरी रोज मेरी आवाज सुन के चलना शुरू कर। हालेलुया। अपने आप से पूछो, बीते दिनों में क्या प्राप्त किया आपने परमेश्वर से, क्या सुना आपने, कौन सा प्रचार सुना, कौन सी बात आपने सुन के डायरी में लिखी है कि प्रभु मुझसे ये कह रहे हैं मैंने इसे मानना है। इसका मतलब कोई आवाज नहीं आपने ध्यान, या तो आपने सुनी उन पर ध्यान नहीं दिया। नीति वचन 1:23 में लिखा है, इसी पेज में, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। कहता है अगर तू ठीक है, मेरी सुन के नहीं चल रहा है, तो मेरी डांट सुन के, आज मेरा वचन सुन के मन फिरा, तो मैं अपना आत्मा आज तुम पर उंडेल दूंगा। पूरे 7 दिन तो आपने लगातार आना है, हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि इन दिनों में आप पवित्र आत्मा से भरोगे, वो अपना आत्मा पर उंडेलेगा। और ये 7 वीक जब खत्म हो गए तो आप देखोगे आपकी टेस्टमनी आपके जीवन में होगी, यीशु नाम में। हालेलुया।
तो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। भजन संहिता 51 की 11 में क्या लिखा है? तो हो सकता है आज आप प्रभु से दूर हो चुके हो, इसलिए कहता मेरी डांट सुन के मन फिरा। आज आप कह सकते प्रभु मैं आपसे दूर हो गया था, मैंने आपकी कितने दिन हो गए मैंने आपकी कोई आवाज नहीं सुनी, वचन में, प्रेयर में, संगति में, पर्सनल प्रेयर में जाके, व्यक्तिगत तेरे साथ बैठ के कोई आवाज नहीं सुनी, कभी भी तेरी नहीं सुनी। क्योंकि लिखा है वो सुनने वालों को नहीं मानने वालों को प्रतिफल देता है। ऐसे तो आपने बहुत प्रचार सुने होंगे, पर कौन सा सुन के आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया, उसे माना है? हालेलुया। वो निडर वसा रहेगा, बेखटके सुख से वो जिएगा। यहां पर लिखे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, 51 की 11 में लिखे हैं, मुझे अपने सामने से परमेश्वर निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कहते हैं प्रभु मुझे अपने, दाऊद डेविड का सबसे बड़ा विषय क्या था? प्रभु मुझे अपने सामने से ना निकाल, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि वो जानता है अगर पवित्र आत्मा साथ है तो लाइफ क्या है, अगर पवित्र आत्मा साथ नहीं है, चाहे आप चर्च में हो, चाहे आप बाइबल रीडिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे एक अच्छी सेवकाई कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है, संघर्ष है, रोना है, उदासियां हैं, कुछ भी एक्साइटेड हो गए, कुछ भी सेलिब्रेट आप नहीं कर रहे हो, कर तो बहुत कुछ रहे हो पर उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है लाइफ में। हालेलुया है, भरपूरी नहीं है। कहता मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अलग ना कर। आज आप कह सकते हैं परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मैं तेरी सुनना चाहता हूं, मुझे एक मौका और दे कि मैं आज से उठ के तेरे साथ संबंध में मजबूत हो सकूं। हालेलुया। अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे परमेश्वर, अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। कहते मुझे मुझे वो भरपूरी, वो आनंद जो तेरी पवित्र आत्मा के साथ रहकर मैंने बिताया है, एक समय में उसे याद कर रहा हूं, वो मुझे अपने उद्धार का हर्ष, मुझे वो आनंद, मुझे वो हृदय, मुझे वो वास्तविकता तेरे साथ, मुझे वो मित्रता, मुझसे वो प्रेम तेरे साथ फिर से दे परमेश्वर। फिर से मैं तुझे एक वास्तविक वो अनुभव कर सकूं, तेरे साथ वो अनुभव कर सकूं, अपने उद्धार का हर्ष की बातें, उदार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे अब संभाल ले कि मैं दोबारा ना तुझे खो दूं। मुझे संभाल ले परमेश्वर कि मैं तुझे द्वारा खो ना दूं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12 की 3 को हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं वो होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आए तो आपने ऐसे हृदय से प्रेयर करनी है अभी कुछ ही मिनटों में। हालेलुया। इसलिए मैं तुम्हें 12 की 3 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12 की 3 में, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा तब आता है जब एक व्यक्ति पूरे मन से उसे पुकारना शुरू करता है, जब एक व्यक्ति दिल से यीशु को मानता है, पवित्र आत्मा उसके हृदय में आ जाता है, मतलब परमेश्वर को वो प्राप्त करता है। जितने भी आज पहली बार और चर्च में आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन हम पूरे मन से यीशु मसीह को पुकारेंगे और बिलीव करेंगे यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो मेरे लिए मारा गया, उसने दुख को सहा, उसे कब्र में रखा गया, उसके हाथों पैरों पर किल ठोके गए, उसके कोड़े मारे गए, उसको लहू लहान हुआ, और वो उसने मेरे लिए, मेरे सब पापों के लिए, दुखों बीमारियों के लिए उसने जान दे दी है कि मैं उस पर विश्वास करके जीवन पाऊं। जिस दिन पूरे मन से ये विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आप में उतर आता है। हालेलुया। और जिस दिन आप पूरे रीति से, अगर आप पा चुके हैं परमेश्वर के आत्मा को, तो जिस दिन आप पूरे गलती करते हो, परमेश्वर की सुनना छोड़ देते हो, और जिस दिन फिर आप पूरे मन से पश्चाताप करते हो, पूरे मन से, पूरे दिल से, मुंह से नहीं, मुंह से, ओ प्रभु आज मैं माफ करा, जी प्रभु भोज लैन जा रहे हैं, प्रभु मेरी सारी गलतियां गुनाह नु माफ करना, जिन्हें भूल चुका हो गया सारे नु माफ करना, एक रटी रटाई प्रेयर नु नहीं कहता, वो कहता अगर तू पूरे दिल से अपने मन को फिराए, पूरे मन से, तो पवित्र आत्मा तभी उसी वक्त उस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आज आगे जो पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपको भरने वाला है, बिना पश्चाताप के आप प्रभु भोज लें, बिना अपने हृदय को साफ किए हुए आप प्रभु भोज में शामिल हो, तो इसलिए अपने हृदय को आपने साफ करना है,
पूरे मन से परमेश्वर को अपने हृदय में पुकार रहे हैं, परमेश्वर अपना स्थिर आत्मा मुझे फिर से दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, आज अपना आत्मा मुझ में उतार दे परमेश्वर, आज मुझे अपनी आत्मा से भर दे, हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर काम करता है। यहां पर अगर मैं 9 आयत को पढ़ दूं, एक रेवलेशन में यहां पर बताता हूं, और किसी को उस आत्मा से विश्वास और किसी को उस आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान कैसे काम करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा ही। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आप यीशु मसीह को जब प्रभु करके मानते हो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आज से मैं विश्वास करता हूं जो उसने मेरे लिए किया, तो पवित्र आत्मा आपको विश्वास से चंगाई। यहां पर एक साथ उसने क्यों कहा? उसी आत्मा से विश्वास और उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा से, मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी से ही विश्वास से चंगा करने का। अब अगर हम विश्वास को और चंगा करने को अगर हम मिला दें, विश्वास से चंगा करने का वरदान किससे? पवित्र आत्मा से। कई लोग सोचते, पासी मैं मसा चाहता हूं, मैं अभिषेक चाहता हूं, मैं चंगा करने का वरदान चाहता हूं, मैं छुटकारे का वरदान चाहता हूं, मैं आत्माओं की परख का वरदान चाहता हूं, मैं अन्य भाषा का वरदान चाहता हूं। कहता है उसी आत्मा के द्वारा। तो ये वरदान कैसे मिलते हैं? पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप में जानने के द्वारा। पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप में जानना मतलब जो आप परमेश्वर से व्यक्तिगत एक संबंध में पवित्र आत्मा में प्राप्त करते हो, वो आपको कोई स्टडी, कोई बाइबल कॉलेज, कोई आपको बड़ी कुछ पढ़ना, कुछ कोर्स करना, वो आपको कोई ज्ञान, आपको वो चीजें नहीं दे सकता जो आपको पवित्र आत्मा के साथ व्यक्तिगत अनुभव में आप प्राप्त करते हो। उसे व्यक्तिगत रूप में जानना मतलब उससे मित्रता प्राप्त करनी, मतलब उसकी सहभाग्यता को पहचानना, सहभाग्यता को अपनी लाइफ में प्राप्त करना। तब वो क्या देता आपको जब आप पवित्र आत्मा के साथ? तो इसलिए जब हम आगे प्रचारों में बढ़ने वाले हैं तो आपको समझना है कि सब चीज़ें जब हम पवित्र आत्मा में आपके अंदर आए कि हमने क्यों इन मीटिंगों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, हमें क्यों पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि पवित्र लिखा उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और चंगा करने का वरदान। इसे हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ सौभाग्यता के द्वारा ही विश्वास से चंगा करने का वरदान हमारे जीवन में आता है। कैसे चंगा करने का वरदान आपकी लाइफ में आता है? पवित्र आत्मा के साथ सौभाग्यता के द्वारा ही विश्वास से, क्योंकि चंगाई बिना विश्वास से नहीं होती। फेथ रखना पड़ता है हमें प्रभु पर, विश्वास करना पड़ता है कि वो करेगा, विश्वास करना पड़ेगा वो मेरे साथ करेगा, मेरे द्वारा करेगा। पवित्र आत्मा से भरकर विश्वास से चंगा करने का वरदान, विश्वास से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति बीमार है आपके बीच में, तो आपको चंगाई के लिए क्या चाहिए? मैंने बताया कि आपको खड़े रहने के लिए क्या चाहिए? उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास चाहिए। चंगाई के लिए आपको क्या चाहिए? कि आप उसकी पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करें, सहभाग्यता, व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, उसे जानना, उसे समझना, उससे भरना शुरू करें, उससे अनुभव प्राप्त करना शुरू करें, तो क्या होगा? वो विश्वास से चंगाई आपको देगा। अगर आपको चंगाई की आवश्यकता है वो, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और चंगा करने का वरदान। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको फेथ देता है, पहले विश्वास देता है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। जब आपके अंदर फेथ आता है तो हीलिंग आपकी लाइफ में आती है, हालेलुया। तो वो कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ आज से, ये केवल बेस तैयार हो रहा है, आज से हमें पवित्र आत्मा के साथ सहभाग्यता करनी, व्यक्तिगत संबंध बनाना, मजबूत करना है, और ये बिना प्रभु बोझ लिए, बिना पश्चाताप किए हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। आज पश्चाताप करना है, ये 7 वीक टोटल होलीनेस में चलना है, टोटली होलीनेस में चलना है, टोटली एक ही लक्ष्य, बस मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती परमेश्वर तू है और मैं तुझे पाना चाहता हूं, बस मेरे बिजनेस से ज्यादा, मेरे सब रिश्तेदारों से ज्यादा, मेरे सब काम, मेरे सब सपने, मेरे सब टैलेंट, मेरे सब खुशियों से ज्यादा, मेरे लिए सबसे ज्यादा खाने से ज्यादा, मेरे व्हाट्सएप से ज्यादा, मेरी फेसबुक से ज्यादा, मेरी सब चीजों से ज्यादा मेरे लिए तू सबसे ज्यादा कीमती है। और आप अगर सचमुच वो आपके लिए कीमती है तो अपने प्रेम का सबूत आप दोगे, तो अपने प्रेम का सबूत आप परमेश्वर को दोगे। तो मैं चाहता हूं आओ हम
अपनी आंख को बंद करें आगे बढ़ने से पहले अपने घुटनों पे आए और कहें, परमेश्वर आज मुझे माफ कर मेरी गलतियों को, मैं तुझसे दूर जीवन जिया। अपनी स्पिरिट को साफ करें पवित्र आत्मा से भरने के लिए। सभी पास्टर्स, सभी बिलीवर्स, चेले, डिसाइपल्स, ऑनलाइन व्यूवर्स, ऑनलाइन ब्रांच, सभी ब्रांच के लोग, अमृतसर ब्रांच के लोग, इटली ब्रांच के लोग, न्यूजीलैंड ब्रांच के लोग, फेसबुक, यूट्यूब, जितने चर्च में उपस्थित हैं, सब जन दो मिनट में आपको और परमेश्वर के साथ आपको व्यक्तिगत बात करने के लिए देता हूं। आराम से बात करें, फील करके उसे कि वो, जब आप प्रेयर करें विश्वास करें कि वो आपको क्षमा करने जा रहा है, कि प्रभु मैंने तो उससे दूर रहा। अपनी कमियों के ऊपर मनन करें, अपने पापों के ऊपर मनन करें और कहें, प्रभु मुझे धोएं, मुझे साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करें, अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, हर्ष का आत्मा, आनंद, वो पवित्र आत्मा के साथ खुशियां मुझे फिर से दे। आज से फिर से वो अनुभव शुरू हो जाए तेरे साथ व्यक्तिगत। परमेश्वर मांगे अपने हाथों को उठा के।